अड़तालीस कीमती जिंदगी अपनों से बिछड़कर मुल्क को कूच कर गई अमरनाक हादसा कौम को खून के आंसू रहा गया पूरा मुल्क सोग में डूब गया त्यारह हादसे में मौत का ईंधन बनने वाले बदनसीबों की मैयतें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है मययतों को पाक फौज के तीन हेलीकॉप्टर के जरिए अब ऐसी इस्लामाबाद के जन्हा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाया गया इसके बाद एम्बुलेंसिस के जरिए पिम्स लाया गया आंखों में आंसू गम से निढाल चेहरों के साथ लवाहन अपने प्यारों की लाशें वसूल करने के लिए पहले ही अस्पताल में तड़प रहे थे लेकिन उनका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि लाशें जली हुई होने की वजह से डी एन ए के बगैर शनाख्त मुमकिन नहीं रही थी सिर्फ पांच मयतों के अलावा जुने जमशेद और उनकी अहलियत समेत बयालीस मुसाफ़रों को शनात नहीं किया जा सका जिस पर जुने जमशेद के भाई और सास समेत तमाम लवाहीन के ब्लड सैंपल्स लिए गए डॉक्टर्स ने लाशों की हड्डियों और जिल के नमूने डीएनए टेस्ट के लिए हासिल कर लिए जबकि की रहनुमाई के लिए सहूलत सेंटर भी कायम कर दिए गए हैं इससे पहले वजीर वजी के बरएकै तारिक फजल ने बताया कि मैतों की शनाख्त में चंद रोज लगेंगे यहाँ से इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल हमने शिफ्ट की हैं वहाँ पे एक फैसिलिटेशन सेंटर हमने कायम किया है पिम्स में तो जो पांच शनाख्त हो चुकी हैं वो भी अपने वर्षा के हवाले यहाँ पिम्स अस्पताल से की जाएंगी और यहाँ जो सैंपल्स हैं इब्तदाई तौर पे इन तमाम मैतों के अयुब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी लिए गए हैं उधर नादरा ने तबाह होने वाले तैयारे के पांच मुसाफरों की शनात के बाद उनकी तफसी जारी कर दी है मुसाफरों की तस्वीर शनाख्ती कार्ड और घर का एड्रेस भी जारी किया गया है एयर चीफ मार्शल सोईल ने मैयतों को आबाई इलाकों में पहुँचाने के लिए सीवन थर्टी तैयारा मुहैया करने का ऐलान किया है